साथियों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विद अमित में। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं आर ओ ए आर ओ प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में जो पेपर हुआ था उसका आज फुल सॉल्यूशन में इसका हिंदी का जो हुआ था ये मैंने अपने मित्र का मांगा हुआ है पेपर, उससे आज को बताऊंगा। मित्रों, हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको मालूम है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। चलिए मित्रों, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, यानी इसमें जो अशुद्ध विशेषण है वो हमको बताना है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो ये सही है, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, ये गलत है, इसका ए होगा सही। दूसरा है, पहले का ऐसा ही होगा। दूसरा है हुतासन पर्यावाची है, हुतासन किसका पर्यावाची है, निर्धन का है नहीं, अगणित का है नहीं, अखंड का है नहीं, ये अग्नि का पर्यावाची है, हुतासन अग्नि का पर्यावाची है, जो तोला न जा सके, यानी जो मापा नहीं, जो तोला जा सके, ना नहीं लगा, ये देखना ये गलत हो जाता अक्सर, तो इसका परमेय होगा। जो तोला जा सके यानी जो मापा जा सके वो परमेय है, और जो तोला ना जा सके वो अपरमेय है, यानी इसका परमेय होगा। सी ऑप्शन सही है इसका, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, बिजली का पर्याय है, यानी बिजली का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आपने पढ़ा होगा बिजली का पर्यायवाची सर्वरी है नहीं, रमणी है नहीं, तनया है नहीं, तनया पुत्रिक होता है, तो ये दामिनी का है, बिजली का पर्यायवाची दामिनी है, दामिनी का। आगे देखते हैं हम लोग, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, यानी युद्ध स्थिर नहीं कहेंगे, युद्ध स्त्री नहीं कहेंगे, युद्ध प्रेमी भी नहीं कहेंगे, युधिष्ठिर कहेंगे, क्या कहेंगे, युधिष्ठिर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, परीक्षा गलत, परीक्षा गलत, परीक्षा गलत, एक परीक्षा, ये सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, तो चंचरीक भमरे का पर्यायवाची होता है, तो भमरा ना देके उसका दूसरा पर्यायवाची तत्सम शब्द भ्रमर दे दिया है, हवा का होगा नहीं, मित्र का है नहीं, पुत्र का है नहीं, तो भ्रमर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चौथा का तत्सम शब्द, चौथा का चतुर्थ, एक ध्यान रखना, चतुष्पद नहीं होगा, चतुष्काट नहीं होगा, चतुष्क नहीं होगा, चतुर्थ होगा, चौथा का चतुर्थ, और तीसरे का तृतीय, दूसरे का द्वितीय, और पहले का प्रथम। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम, ये गलत शब्द था, ये गलत पूछा गया था आरो यारो में, और ये गलत भी हुआ था, क्योंकि हस्ती का जो हस्ती हस्ती शब्द है वो तत्सम शब्द है, और हाथी तद्भव शब्द है, तो इसमें हाथी उत्तर माना था उन्होंने, लेकिन नहीं, हाथी हाथी जो है तद्भव शब्द है, और हस्ती इसका तत्सम शब्द है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, आवर्तक का विपरीतार्थक, आवर्तक का विपरीतार्थक, तो ये इसका होता है प्रवर्तक, आवर्त नहीं होता, अनावर्तक नहीं होता, ये प्रवर्तक होता है इसका, नहीं अनावर्तक, सॉरी इसका अनावर्तक ही होगा, इसका अनावर्तक, आवर्तक का विपरीत आ गया, यानी विलोम शब्द अनावर्तक ही होगा। चलिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे, यानी जो वह कवि जो तत्काल कविता लिखते, उसे हमने पढ़ा है मुहावरे में या एक शब्द के लिए आशुकवि, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आशुकवि, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा गया, तो दक्षिण तत्सम शब्द है, नग्न तत्सम शब्द है, द्राक्षा तत्सम शब्द है, तो दाढ़ी तद्भव शब्द आपका है, क्या है, दाढ़ी, दाढ़ी तद्भव शब्द है। उसके बाद जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है, चेतन कहेंगे नहीं, अभिज्ञ कहेंगे नहीं, विशिष्ट कहेंगे नहीं, विशेषज्ञ, विषय के ज्ञाता को विशेषज्ञ कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है, तो देखिए इसमें जो शुद्ध बर्तनी है वो हमें देखनी है, तो शुद्ध बर्तनी कवयित्री है, नुपुर लिखा है, ये नुपुर होता है, स्मरण गलत है, परिस्थिति गलत है, कवयित्री, तो कवयित्री ये शुद्ध है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, ये बहुत ही चर्चित है मित्रों, अपर्णा शब्द ये पहली बार आया है पीपीएससी एग्जाम में हमारी दृष्टि से, तो चलिए अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती,
पार्वती का पर्यायवाची है, देवांगना का है नहीं, औरत का है नहीं, आराधना का है नहीं, ये पार्वती का पर्यायवाची होता है, इसे याद करें अवश्य। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, सदाचार का विलोम कदाचार होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेष जिसकी विशेषता किसकी बताई जाती है, विशेष्य की, विशेषण की नहीं, विशेषण खुद विशेषता बताता है, इसलिए विशेष की विशेषता बताई जाती है। बिना पलक झपकाए के लिए हमारा होता है निर्निमेश, इसका होता है निर्निमेश, इसका डी ऑप्शन सही होगा। बिना पलक झपकाए का एक शब्द हम लिखेंगे तो होगा निर्निमेश। चलिए, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, यानी पांडु शब्द क्या होता है, पांडु एक नाम भी हो सकता है और पांडु एक रोग भी होता है, इसीलिए विशेषण है और विशेष दोनों है, तो ये इसका होगा विशेषण सी ऑप्शन, और विशेष दोनों, इसका दोनों होगा सही। चलिए आगे चलते हैं, निमृत में थे तत्सम शब्द है, तो एक है पंख, एक है पंगत, एक है पंद्रह, एक है पंक्ति, तो पंक्ति तत्सम का मतलब संस्कृत से लिया हुआ शब्द, तो वो हमारा पंक्ति है, ये शुद्ध है 21 का पंक्ति। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति आपको मालूम होगा धरोहर होता नहीं, उत्तराधिकारित होता नहीं, पर संपत्ति होती नहीं, ये रिक्त होता है, रिक्त रिक्त, इसका सी ऑप्शन सही है। कोई आदमी आया, कोई आदमी आया, तो इसमें जो है प्रयुक्त विशेषण क्या ये पूछा गया है, निश्चयवाचक यानी निश्चित नहीं है, इसमें संबंधवाचक संबंध भी नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है इसमें, इसमें क्या होगा, इसका आपका उत्तर होगा अनिश्चयवाचक, ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए मित्रों आगे देखते हैं, निर्गत शब्दों में से तत्सम शब्द है योगी, जमाई, यौवन, जौवन, मित्रों कमेंट करिए, तो इसका यौवन शुद्ध है, इसका यौवन शुद्ध है, तत्सम पूछा है तो इसका यौवन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बर्तनी, किस शब्द की बर्तनी शुद्ध है, शुद्ध, तो देखिए गृहिणी गलत है, हा पे ये छोटी मात्रा नहीं चढ़ती है, अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, तो यागवल्क सही है, हस्तक्षेप सही है, गृहिणी सदृश गलत है। 25 का गृहिणी, गृहिणी ही अशुद्ध है, सदृश सही है, क्योंकि छोटी एक मात्रा हा पे नहीं चढ़ाई जाती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा गृहिणी, अशुद्ध पूछा, अशुद्ध नहीं पूछा, गृहिणी। आगे हम लोग देखते हैं, नंबर तद्भव शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, तो तद्भव शब्द इसमें बलवान है नहीं, बलवान तत्सम है, चमचा तत्सम है, आसमान तत्सम है, बांझ यानी बांझ हमारा तद्भव है, बांझ का बंध्या होता है, तत्सम बंध्या होता है, बांझ तद्भव है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द अवन भी है, इला भी है, अचला भी है, नहीं अचल है, अचल, अचल नहीं होगा, अचला है, तो आप इसमें करेंगे सी सही। गौरव का विपरीत आता है, यानी गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है, लाघव, वैभव, पराभव, निर्वोप नहीं होता, इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, समस्त प्राण मात्र का कल्याण करो, उसकी आय 40 वर्ष है, तो इसका आपका ऑप्शन है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। आयोग ने इसमें वो पढ़ा हुआ था, बच्चों ने डाले थे, इसमें दो ऑप्शन गड़बड़ थे, तो समस्त प्राण मात्र का कल्याण करो और मुक्त हस्त का, ये तो इसमें से आयोग ने वी ऑप्शन सही माना था। विशेष शब्द है, विशेष यानी कि जिसके ऊपर विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें भी दो ऑप्शन का हुआ था, तो वादी और मानस दोनों में से एक होगा, लेकिन हमारे हिसाब से वादी है सही, इसमें क्या है, वादी, क्योंकि वादी के आगे हम प्रतिवादी भी लगा सकते हैं, आशावादी लगा सकते हैं, तो यानी कि ये विशेषण का इसमें प्रयोग बढ़िया से हो रहा है, तो वादी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आयोग एक दो शब्द कंफ्यूजन वाले देता है,
एक की वर्तनी शुद्ध है, एक आधिकारिक है, एक आधिकारिक है और एक आधिकारिक है, एक अधिकारिक है, तो आधिकारिक सही है इसका, तो इसका आधिकारिक। थोड़ा सा मैं वहां धीरे धीरे परीक्षा देनी है, बढ़िया से पढ़ के देना, सब हमारा पढ़ा हुआ। सौ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? सौ गुना लंबा में, तो सौ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? आवृत्तिवाचक, इसमें आवृत्ति हो रही है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है। तिमिर, तिमिर पर्यायवाची यानी प्रकाश का है, तिमिर पर्यायवाची प्रकाश का। अमृत का विलोम विष है, अमृत का विलोम विष है। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, एक वाक्य जो शुद्ध है उस इसमें सी सही है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की क्योंकि उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। एक बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं, पीते नहीं पीते होगा, और तमाम देश भर में यह बात करे, तमाम नहीं, इसके मतलब उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो ये पूजनीय होगा क्योंकि तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। पैतृक में ये वाला रे वाला रा होता है और प्रामाणिक नहीं प्रमाणिक होता, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। घोड़ा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने योग्य है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द, ये घोड़ा के ही शब्द दिए गए हैं लेकिन तत्सम उपयुक्त पूछा गया। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे चले आते हैं, तो न तो तुरंग संस्कृत का है, न घोटक है, न बाजी है, ये अन्य भाषाओं के शब्द है, इसलिए इसका अश्व है, अश्व सीधा संस्कृत से आया हुआ शब्द है, इसलिए इसको इसका तत्सम माना गया। आगे हम लोग देखते हैं अनुरक्त का विपरीत, यानी अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा है, अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया है, ये बताना है। तो ये विरक्त होता है, अनुरक्त का विलोम विरक्त। चलिए कर्पट का तद्भव रूप, कर्पट का तद्भव रूप, कर्पट माने कपड़ा होता है, तो कर्पट का तद्भव रूप कपड़ा, इसका कपड़ा होगा, कर्पट का तद्भव रूप कपड़ा, तत्सम कर्पट। आधुनिक का विलोम, आधुनिक का विलोम प्राचीन, ठीक है प्राचीन होगा, समीचीन अर्वाचीन नहीं होगा, सामसामयिक नहीं होगा, क्या होगा प्राचीन। अब यह लिखा है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, वसुधा, वसुधा का पूछा गया है, तो वसुधा का पर्यायवाची इसमें विपुला होता है, विपुला वस्तावन धरती है, इसका पर्यायवाची विपुला होता है, विपुला, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, यानी सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, या विधेय विशेषण है, या विशेष विशेषण है? नहीं, ये विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण हम उसे कहते हैं जो विशेष के आगे लगे होते हैं, वो विशेषण जो विशेष के आगे लगे होते हैं उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। अनुग्रह का, अनुग्रह का विलोम शब्द, तो अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का ये हो जाएगा विग्रह, परिग्रह नहीं होगा, आग्रह नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा। चोर का पर्यायवाची, ये भी नया शब्द इस बार पूछा गया था, चोर का पर्यायवाची, तो चोर का उदक, धूसर, खनक, थलचर, इनमें उदक, थलचर, धूसर ये नहीं है, खनक है, खनक की आवाज होगी, खन की आवाज होगी तभी तो चोर पता लगेगा, तो ये पर्यायवाची है, खनक का पर्यायवाची। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी हमें इसमें से लगभग दिखाई ही दे रही है कि रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह नहीं, चिन्ह भी गलत है, अनाधिकार भी गलत है, रचयिता भी गलत है, अनुकूल इसका सही ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है और बाद बाकी यानी तीन तत्सम है, एक तद्भव है, तो अंगी तत्सम है, गयंद तत्सम है, बानर तत्सम है और अंगना बचा, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। इनमें से अब अगला पूछा, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, इनमें से सही युग्म एक पूछा है वो क्या है? आपत्ति विपत्ति, आपत विपत्ति गलत एक ही जैसे शब्द है, गणतंत्र जनतंत्र ये भी एक जैसे शब्द है, आदर तिरस्कृत ये भी एक जैसे शब्द है,
अवर्षण और अनावर्षण ये हमारे विलोम शब्द हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं मित्रों, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसकी आशा न की गई हो तो ये क्या होता है, ये तो हमने कई बार पढ़ा भी, अप्रत्याशित, यानी कोई चीज हमें एकदम से मिल जाए तो जिसकी हमने आशा ही नहीं की है वो अप्रत्याशित कहलाता है। चलिए मित्रों, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक, इसका विपरीत अंतिम होगा, प्रथम का अंतिम होगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता वास्तविक होगा, कम बोलने वाला मितभाषी मृदभाषी नहीं होगा, मीठा बोलने वाला मृदभाषी होता है और कम बोलने वाला मितभाषी होता है और ज्यादा बोलने वाला वाचाल होता है। चंद्रहास, चंद्रहास का है तलवार का पर्यायवाची है, तीर का नहीं है, भाला का नहीं है, धनुष बाण का नहीं, तलवार का पर्यायवाची है। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, यह है मैं अनेकों बार, अनेकों नहीं लगता अनेक लगता है, ये गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं मापा होना चाहिए, ये गलत है। और सी है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यानी सी देख लें और डी देख लें, आप केवल इतना ही काम कीजिए, तो दीजिए नहीं कीजिए होता, तो ये सी सही होगा हमारा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। गोधूम का तत्सम गेहूं का होता है, ये भी हमें मालूम है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या होता है, नैसर्गिक, नैसर्गिक कृत्रिम, नैसर्गिक माने प्राकृतिक, मनुष्य द्वारा न बनाया हुआ, और कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, तो ये होगा विपरीतार्थक। जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची रसना होता है, जीव नहीं होता, वचन नहीं होता, ध्वनि नहीं होता, यानी क्या होता है, रसना। अब है हमारा 57 जो कि बहुत बढ़िया आया था, कोरोना के ऊपर आया था, प्रयागराज में, प्रयागराज में दसवां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में दसवां शब्द है, जब इस तरीके का हो तो वो क्रमवाचक विशेषण होता है। उसमें मैं सारे पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक करके, अगला वीडियो हमारा आने वाला है पहले टॉपिक से विलोम शब्द से, क्रमवाचक विशेषण है इसमें। तो उसके बाद है इनमें से खेलना शब्द से बना, तो खिलाड़ी, यानी सी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, इस पे थोड़ा आयोग ने कंफ्यूजन दिया था, लेकिन हमारे हिसाब से इसका अचार है, अचार, अचार यानी बी ऑप्शन। अकूत यानी बहुत ज्यादा, अकड़ इसके कान ना हो, अचंड यानी जो चंड ना हो, अचार, अचार ये खाने पीने, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो ये इसका बी ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला अंतिम जो हमारा 60वां क्वेश्चन है वो यही होगा, इसका बी ऑप्शन सही, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताएं, 60 क्वेश्चन मैंने पूरे बताए हैं।